जिक्स, कैसे आप सब? आज हम कोक स्टूडियो सीजन 10 एपिसोड 3 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भाई एपिसोड 3 में तो कोक स्टूडियो छा गया, सारे गाने टॉप क्लास निकाल दिए। आयमा बेग का गाना, क्यूबी का गाना, सज्जाद अली का और नबील शौकत अली का, ये सबके गाने बहुत ऑसम थे इस एपिसोड में, राइट अप माई अली। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के बारे में जो सज्जाद अली और ज़ौ अली का है, रोने ना दिया। आपको पता है कि ज़ौ अली कौन है? ये सज्जाद अली की बेटी है। सो इट्स फैसिनेटिंग फॉर सज्जाद अली के अपनी बर्थडे से एक दिन बाद उनका ये गाना रिलीज हुआ है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और इतना ब्यूटीफुली परफॉर्म कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस सज्जाद सर, अ क्लासिकल रेंडिशन ऑफ वाइल्ड कंकॉक्शन ऑफ वाइब्रेंट R&B वोकल्स विद हर पावरफुल क्लासिकल चॉप्स। और जब उन्होंने वो क्लासिकल पार्ट गाया था तो बिल्कुल उनमें से हुमैरा चना वाली फील आई थी। क्लासिकल पार्ट को तो उन्होंने आला गाया ही गाया, जो इंग्लिश वाला पार्ट था इट वॉज सिंपली माइंड ब्लोइंग। सेफली टू से वी हैव फाउंड अ मल्टी टैलेंटेड सिंगर हु कैन सिंग बोथ ईस्टर्न क्लासिकल एंड वेस्टर्न R&B स्टाइल इन सच ईज। और उनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, बहुत कमाल की वो फिल्म मेकर हैं। और जो पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, बल्कि एक साल हो गया सज्जाद अली की और बोहिमिया की, है मलंग दासा दुनिया खेड तमाशा, उसकी वीडियो डायरेक्टर भी वो थी। इसके अलावा हम टीवी वॉच में वो बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट हुई थी नाखून के लिए। सिंपली ब्लोन अवे बाय ज़ौ अली'ज़ टैलेंट। आखिर बेटी किसकी है? तो इस गाने का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो कंपोजिशन वाइज फुल मार्क्स, सिंगिंग वाइज फुल मार्क्स, हाउस बैंड ऑसम जॉब, ओवरऑल हम इसको 9 out of 10 मार्क्स देंगे, क्योंकि कुछ लोग इसके इंग्लिश वाले पार्ट पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो आए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हर्षिता सिंह कहती हैं कि फाइनली अ सॉन्ग व्हिच हैज अ मैजिक ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान, मच लव फ्रॉम योर बिलव्ड नेबर, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा महरोज डार कहते हैं कि बेटर देन रंजिश। लाइबा फहीम कहती है द गर्ल सिंग्स बेटर देन मोमिना, लाइक एंड कॉमेंट इफ यू एग्री। यार ये जो कंपेरिजन शुरू हो जाते हैं ना आप एक मिनट में। मिंगो डोफला क्या कहते हैं कि ये तो लड़कियों की अली सेठी है। शानी कहते हैं कि उन्होंने एक शेर लिखा गाने का कि से मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, तंगीए वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया, ब्रॉट टीयर्स इनटू माय आईज, दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, आई एम प्राउड टू हैव यू एज माय फेवरेट सिंगर सज्जाद भाई, कीप स्प्रेडिंग द मैजिक कोक स्टूडियो। अगर मैंने इस एपिसोड में से किसी एक को विनर करार देना हो तो मैं ज़ौ अली और सज्जाद अली के गाने को विनर करार दूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह कि ज़ौ अली न्यू टैलेंट है और बाकी गानों में सारे एक्सपीरियंस सिंगर थे और ज़ौ अली चूंकि बहुत ही फ्रेश आवाज थी और बहुत बहुत मजा आया उनकी आवाज सुनने का। मेरी नजर में ज़ौ अली इज द शो स्टॉपर ऑफ दिस एपिसोड। तो ये थे लोगों के कॉमेंट्स, आप भी अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपका फेवरेट गाना कौन सा था इस एपिसोड में से और हर गाने को आप कितनी रेटिंग देंगे? एक बात तो तय है कि एपिसोड 3 सुनने का बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था पहली दो एपिसोड में से लगता है उन्होंने अपनी बेस्ट एपिसोड निकाल के रिलीज कर दिया। इसके अलावा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैसेज दिया था कि अगर आप लोगों के पास कोई टैलेंट है, कोई सिंगिंग का, कंपोजिशन का, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं तो हमें फेसबुक पेज पे कॉन्टेक्ट करें। यार अभी बहुत थोड़े लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट ऑनलाइन दिखे तो मैं आपकी उसमें 100% हेल्प करूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। थैंक यू टू द वाइट साइड फॉर सपोर्टिंग म्यूजिक इन पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग। Hi everyone, my name is Sophia Anjum and keep on supporting The White Side.